हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन की। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे विटामिन कितने टाइप के होते हैं, इनके कॉमन नेम क्या क्या होते हैं और इनसे कौन कौन सी डिसीज़ होती है इनकी कमी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन को दो टाइप में बांटा गया है, जिनमें पहले हैं वाटर सोल्युबल, यानी कि ऐसे विटामिन जो कि वाटर में घुल जाते हैं, एंड इसके अलावा दूसरे होते हैं फैट सोल्युबल, यानी कि ऐसे विटामिन जो कि फैट में घुलनशील होते हैं। तो वाटर में सोल्युबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, एंड फैट में सोल्युबल होते हैं ए डी ई के। तो आपको याद रखना है बी सी जो कि वाटर में सोल्युबल विटामिन होते हैं। इसमें से हम बारी बारी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी को 8 टाइप में बांटा गया है, जिसमें है विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन एंड लास्ट में विटामिन बी ट्वेल्व। तो इन सभी के कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। तो इसे याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ट्रेन, टी आर एन ट्रेन, पुल पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी वन है टी, तो टी मीन्स है थायामीन, आर मीन्स राइबोफ्लेविन, एन मीन्स नियासिन और पुल से हो गया पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स पर से पैरिडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन बहुत से बायोटीन, विटामिन बी नाइन फास्ट से फोलिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व चली से कोबालामीन। अब हमें देखना है कि इनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थायामिन। थायामिन की कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है, ये आप जानते होंगे। विटामिन बी टू की कमी से ड्राई स्किन, यानी कि हमारी पूरी स्किन ड्राई हो जाती है। विटामिन बी थ्री यानी नियासिन की कमी से पेलाग्रा, विटामिन बी फाइव की कमी से जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती है, इसलिए रेयर है। विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया, विटामिन बी नाइन की कमी से भी एनीमिया एंड विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से भी एनीमिया। इसके अलावा विटामिन बी सेवन की कमी से एलोपेसिया या फिर हेयर फॉल। तो ये सभी आपको याद रखना है। इसके बाद बचता है विटामिन सी। तो विटामिन सी का कॉमन नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फलों जैसे कि नींबू संतरा में पाया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्बी या फिर ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आता है इसकी कमी से। तो इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं फैट सोल्युबल विटामिन की, जो कि होते हैं ए डी ई के। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन नेम। तो ए का कॉमन नेम होता है रेटिनॉल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल एंड के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। अब हमें देखना है इनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिनॉल की। रेटिनॉल की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ विजन, यानी कि इसकी कमी से हमारी आंखें कमजोर हो जाती है। कैल्सिफेरॉल की कमी से होती है रिकेट्स। टोकोफेरॉल की कमी से होती है इनफर्टिलिटी एंड विटामिन के की कमी से होती है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि ब्लड को जमने में मुश्किल होती है, यानी कि ब्लड जल्दी से हमारा क्लॉट नहीं होता है।
तो ये सभी थे विटामिन, उनके कॉमन नेम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो सबसे पहले हमने बात करी वाटर सोल्युबल विटामिन की, जो कि होते हैं बी एंड सी, जिसमें बी होता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, जिसमें विटामिन B1 है थायामिन, B2 राइबोफ्लेविन, 3 नियासिन, 5 पैंथोथेनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड एंड B12 कोबालामीन। थायामिन की कमी से होता है बेरीबेरी, राइबोफ्लेविन की कमी से ड्राई स्किन, नियासिन की कमी से पैलाग। विटामिन B5 की कमी जल्दी से नहीं होती है, इसलिए रेयर है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, विटामिन B9 एंड B12 की कमी से भी एनीमिया, विटामिन B7 की कमी से एलोपेशिया या फिर हेयर लॉस। इसके बाद है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्बी या फिर ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। इसके बाद है फैट सोलबल विटामिन ADEK, A4 है रेटिनॉल, D4 कैल्सिफेरॉल, E4 टोकोफेरॉल एंड K4 फाइलोक्विनोन। रेटिनॉल की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ विजन, कैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स, टोकोफेरॉल की कमी से इनफर्टिलिटी एंड फाइलोक्विनोन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो इस वीडियो में इतना ही था, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।